नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं जो वैकेंसी आई हुई है प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की, उसके लिए जो वो विभाग है उसमें किसमें आई हुई है, वो है ECGC लिमिटेड। तो जो लोग ECGC लिमिटेड के बारे में नहीं जानते हैं, उनके लिए मैंने यहाँ पर इस टैब पर सर्च कर रखा है ECGC। और ये देखिए, साइड में बता रखा है ECGC का फुल फॉर्म दे रखा है, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो मैं इसके बारे में आपको पूरा डिटेल में बताता हूँ कि ये क्या है। तो यहाँ पर देखिए, नीचे लिखा हुआ है द ECGC लिमिटेड इज अ कंपनी होली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेस्ड इन मुंबई महाराष्ट्र। तो ये ECGC गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है जो मुंबई महाराष्ट्र में है, और इट प्रोवाइड्स एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस सपोर्ट टू इंडियन एक्सपोर्टर्स एंड इज कंट्रोल्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। तो दोस्तों, यह भारतीय निर्यातकों को निर्यात ऋण बीमा सहायता प्रदान करती है और वाणिज्य मंत्रालय द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो आपको समझ में आया होगा, वाणिज्य मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स मंत्रालय के द्वारा नियंत्रित की जाती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड इनिशियली सेट अप एक्सपोर्ट रिस्क इंश्योरेंस कॉरपोरेशन इन जुलाई 1957। भारत सरकार ने शुरू में जुलाई 1957 में निर्यात जोखिम बीमा निगम की स्थापना की थी। तो इसकी स्थापना शुरू के जुलाई में 1957 में की गई थी। अब चलिए, मैं आपको बता देता हूँ इस कंपनी के बारे में। मैंने आपको बता दिया, अब मैं बताता हूँ जो इसमें वैकेंसी आई हुई है। तो सबसे पहले, अगर आपको इसका एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करना है तो कैसे करेंगे आप लोग? पहले आप ECGC, जैसे मैंने यहाँ पर गूगल सर्च में डाल रखा था ECGC, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर दे रखा है और मैंने इस पर क्लिक किया तो मैं यहाँ पे आ गया। फिर मैंने ये ECGC इस पर क्लिक किया तो मैं इस पेज पर आ गया। तो इस पेज पर जैसे ही आया तो मैंने ये एक ये देखिए यहाँ पर चल रहा था परिवीक्षाधीन अधिकारियों की भर्ती 2020-21 के विज्ञापन के लिए यहाँ क्लिक करें। तो आप यहाँ क्लिक कर भी इस सीधे इस पे पहुंच सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं करियर ECGC के साथ, तो यहाँ से भी क्लिक करके आप पहुंच सकते हैं। तो फिर मैंने इस एडवर्टाइजमेंट को, अब सीधे पहुंचते हैं हम लोग एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। तो ये रहा इसका एडवर्टाइजमेंट, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। ECGC भारत सरकार का उपक्रम परीक्षाविधीन अधिकारियों की नियुक्ति। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसके बारे में बता रखा है और ये इसका वेतमान आगे स्टार्टिंग में बता रखा है 32,795, 16,10, 55, 335, 17,45, 62,315, ये कुछ दे रखा है दोस्तों। और इसमें वेतमान पर ECGC लिमिटेड में परीवीक्षाधीन अधिकारी के पद के लिए क्रामिकों का के चयन हेतु ऑनलाइन परीक्षा मार्च 2021 में आयोजित की जाएगी और अगस्त 2017 से वेतमान में संशोधन लंबित है। मुंबई में तैनात परीवीक्षाधीन अधिकारी के लिए कंपनी का वर्तमान CTC कंपनी को लागत 13 लाख रुपए वार्षिक है। देखिए दोस्तों, 13 लाख रुपए वार्षिक है, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि परीक्षा कहाँ कहाँ पर होगी, कौन कौन सी सिटीज में होगी इंडिया की। तो यहाँ पर 20 केंद्र हैं। सबसे पहला है मुंबई, दूसरा अहमदाबाद, पुणे, इंदौर, नागपुर, कोलकाता, वाराणसी, भुवनेश्वर, रायपुर, गुवाहाटी, चेन्नई, कोयम्बतूर, बेंगलोर, कोची, हैदराबाद, वैजाग, दिल्ली, चंडीगढ़, कानपुर एवं जयपुर में ऑनलाइन परीक्षा ली जाएगी। अब मैं आपकी इनकी जो डेट्स दे रखी हैं उसके बारे में बता देता हूँ। और सबसे पहले आप पद जान लीजिए कितने हैं। पहले मैं आपको पद बता देता हूँ, इसमें 59 पद हैं, 59 पद दे रखे हैं। और उम्मीदवारों द्वारा आवेदनों में सुधार संशोधन सहित ऑनलाइन पंजीकरण आपका शुरू हो जाएगा 1/1/2021 से 31/1/2021 तक। मतलब 1 जनवरी 2021 से लेकर 31 जनवरी 2000 तक, 2021 तक आप अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन शुल्क सूचना प्रभार ऑनलाइन की अदायगी, तो आवेदन शुल्क आप अपना कर सकते हैं 1/1/2021 से 31/1/2021 तक, ठीक है दोस्तों। और एक चीज यहाँ पर समझिए दोस्तों, परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण के लिए प्रवेश पत्रों को डाउनलोड करना। तो इसमें ये चीज आप लोग को समझ में नहीं आएगी, मैं आपको सीधे सीधे बता देता हूँ कि यहाँ पर क्या होगा कि जिन लोगों को परीक्षा ऑनलाइन परीक्षा करने का
प्रशिक्षक ट्रेनिंग करनी है तो उनके लिए ये आपको फॉर्म में ऑप्शन मिलेगा। अगर आप करना चाहते हैं तो उस फॉर्म पे ऑप्शन में क्लिक टिक करके आप अपना ये कर सकते हैं। यहाँ पर परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण के लिए परीक्षा प्रवेश पत्रों को, इसमें आपका ये नहीं है कि ये आपका एग्जाम नहीं हो रहा है, ये आपकी ट्रेनिंग हो रही है। आपको परीक्षा ऑनलाइन परीक्षा कैसे देनी है उसकी ट्रेनिंग कराई जाएगी, जो आपको फरवरी 2021 के प्रथम माह के पश्चात कर सकते हैं। और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण, इनके लिए फरवरी 2000 के द्वितीय एवं तृतीय सप्ताह में ये ट्रेनिंग दे दी जाएगी इनको। और फिर चलिए और नीचे आते हैं। हाँ, यहाँ पर ऑनलाइन परीक्षा के लिए प्रवेश पत्रों को डाउनलोड करना, तो मार्च 2021 के प्रथम सप्ताह में 2000 मार्च 2021 के प्रथम सप्ताह में आप अपना ऑनलाइन फॉर्म, ऑनलाइन प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन लिखित परीक्षा 14 मार्च 2021 को होगी। ऑनलाइन लिखित परीक्षा प्रमाणों की घोषणा 20 से 31 मार्च के बीच में हो जाएगी 2021 सॉरी। और साक्षात्कार अप्रैल 2021 के अनुमानित आसपास रहेगा। और अंतिम प्रमाणों की घोषणा अप्रैल मई 2021 के आसपास हो जाएगी। और आप लोग फॉर्म भर सकते हैं अपना। और इसमें देखिए ये रिक्तियों के बारे में लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पर रिक्तियां लिखी हुई हैं जिसमें आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। और आगे चलते हैं, जो मेन मेन चीजें हैं वो मैं बता देता हूँ आप लोग को जल्दी से। और इसमें दोस्तों एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, मैं ज्यादा नीचे नहीं जाता हूँ कि मेन मेन चीजें आपको बता देता हूँ। इसमें आपको क्वालिफिकेशन, आपकी ग्रेजुएशन मांगी गई है। और आपको एग्जाम के बारे में मेन बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने एग्जाम का देखा था, काफी बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट है। और 21 वर्ष से अधिकतम 30 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए। यहाँ पर देख लीजिए आपकी एज की गणना होगी 1/1/2021 तक। तो इसमें देख लीजिए आपका 21 वर्ष से अधिकतम एज 30 वर्ष होगी। बाकी उसमें रिलैक्सेशन दे रखा है जातियों के हिसाब से, आयु सीमा में ये देखिए यहाँ पर छूट दे रखी हुई है। तो वो आप अपने अपना अपना देख सकते हैं। और इसमें शैक्षणिक योग्यताएं भी दे रखी हैं, ये देखिए यहाँ पर भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में एक डिग्री स्नातक या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई भी समतुल्य योग्यता उम्मीदवार के पास उनके द्वारा पंजीकरण की तारीख को भारत सरकार के मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से प्राप्त वैध अंक पत्र तथा डिग्री प्रमाण पत्र होने चाहिए तथा संगत डिग्री प्रमाण पत्र में अंकों की प्रतिशत उल्लेखित हो। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर मेन मेन चीजें हैं जो मैंने आपको बता दी हैं, प्रतिशत की गणना वो सब वगैरह आप देख लीजिए। ये सब चीजें मेन मेन चीजें मैं आपको बता दे रहा हूँ। नीचे आ जाते हैं, और काफी बड़ा एडवर्टाइजमेंट है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको ये समझ में आ रहा हो मेरा, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और लोगों को जानकारी दीजिए इसके बारे में, प्रोबेशनरी जो लोग इच्छुक हैं जो भर सकते हैं इसका फॉर्म, और उनको बताइए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और दोस्तों इतना और कहना चाहूंगा कि बेल आइकन दे रखा हुआ है सब्सक्राइब बटन के पास में, उसको दबा के ऑल पर आप क्लिक कर दीजिएगा, जिससे मैं आगे जो भी वीडियोस बनाऊंगा उसकी सूचना आपको प्राप्त होती जाएगी। सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों चैनल को मेरे, और इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा है, फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और नीचे यहाँ पर दे रखा था वो मैं एक चीज और देख लूँ, तो काफी बड़ा एडवर्टाइजमेंट है। आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं और पूरा आप अपना देख सकते हैं। मेन मेन चीजें यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों। हाँ, ये परीक्षा का कैसे होगा, तो परीक्षा का नाम दे रखा है तर्क शक्ति, जिसमें 50 प्रश्न होंगे, अधिकतम अंक 50 के, समावधि 40 मिनट की, अंग्रेजी भाषा 40 प्रश्न अधिकतम अंक 40, 30 मिनट का, कंप्यूटर ज्ञान 20, 20 संग प्रश्न और अधिकतम अंक 20, 10 मिनट का, सामान्य सचेतता 40 प्रश्न 40 अंक, 20 मिनट का, संख्यात्मक अभियोगिता 50 प्रश्न 50 अंक 40 मिनट का। तो 200 प्रश्न होगा, 200 अंक होगा, 140 मिनट का एग्जाम हो गया। यहाँ पर देखिए निबंध लेखन और संक्षिप्त लेखन का भी दे रखा हुआ है, दिए गए दो में दो विकल्पों में से एक, मतलब इसमें दो निबंध दे रखे होंगे जिसमें से आपको एक करना होगा, 20 अंक का होगा। संक्षिप्त लेखन में दिए गए विकल्पों में से एक आपको करना होगा, 40 मिनट का होगा दोनों, तो काफी सही है। मतलब आपको ग्रेजुएट होना चाहिए और थोड़ा बहुत अगर आप कंप्यूटर जानते हैं तो ठीक है, वरना कोई इसमें वो मांग डिग्री या क्वालिफिकेशन
नहीं मांगी गई है, शायद, मैं शायद बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने पूरा एडवर्टाइजमेंट पढ़ा नहीं है पूरी उससे डिटेल में, क्योंकि बहुत बड़ा है। मैंने सिर्फ आप लोग को इसकी जानकारी देने के लिए वीडियो बनाया है, अपना आप पढ़ लीजिएगा। और दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक डाल दे रहा हूँ एडवर्टाइजमेंट की, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं इस एडवर्टाइजमेंट को। और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी पड़ा होगा, तो वहां से मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, जिससे आपको सारी डिटेल्स मिलती जाएंगी जो भी वैकेंसी आती रहेगी। और हाँ, मेन चीज दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको कि इसमें जो फीस है SC ST के लिए ₹125 है फॉर्म की, और बाकी के लिए जो रिजर्व और OBC हैं उनके लिए ₹600 है। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, और बाकी धन्यवाद मेरे वीडियो को देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।